अगर आज बाहर निकल के अकाली लीडर मैं बिक्रम मजीठिया का भी सुनया बयान, वह भी कहें कि बड़ा धोखा हो गया किसानों के नाल, यदा मतलब तुम एडे नलायक हो कि तुम दिते गए समय अनुसार तुम उत्थे कोई पॉइंट आउट ही नहीं कर सके। कोई भी MLA मैं जो अज इतने बाहर आन के बोलते हैं, एक आदमी MLA कहते जरा जिसने किसी उस कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों लिया गए कानूनों का कोई विरोध किया हो अंदर, बिल्कुल नहीं किया। छोटिया मोटिया सलाहवं दित्तियां कि जी ये चाह भी शामिल कर लो, ये चाह भी शामिल कर लो, तो अंदर रेजोल्यूशन की सपोर्ट भी की है तुसी सारिया ने देखा। और मता पास करन तो बाद गवर्नर पंजाब दे कोल पंजाब दे मुख्यमंत्री दे नाल चल के गए ने सारे, और गवर्नर साहब नू वो जिहड़ा कल दे जिहड़े कानूनां दी कापी दिंदे इन्हां सारियां दीआं फोटोआं ने उहदे विच, ते चंद घंटिया बाद कल शाम नू सडनली दे रियलाइज कि साडे कोलों तां बहुत वड्डी गलती हो गई है, ते कैप्टन अमरिंदर सिंह शायद पोलीटिकल माइलेज ना लै जाए, ते फिर उस गल तो मुकरना शुरू कर दिता इन्होंने। सरकारां तां लभदियां होंदियां ऑपरचुनिटी कि मौका देन ते असी अपना काम जिहड़ा निर्विघन कर दीए, और ये मौका अज आम आदमी पार्टी की नलायक लीडरशिप ने अज मौका दिता। पंजाब ये हैगी है बिल्कुल सच ते तत्थां दे आधारित जो मैं स्टेटमेंट दे रहा। तीन दो तीन दिन पहला सदन के अंदर जाके सौण का की मतलब सी दस्सो, जरा की मतलब सीगा, की प्रोटेस्ट कर रहे सीगे? आखे जी सानू बिल्लां दी कापी नहीं दित्ती गई। तो कल सवेर की गल है, कल सवेरे बड़े सोहने घरों नहा धो के आन के मुड़ के फे बह गए कि इन्हां नू बिल्लां दी कापी दे दित्ती गई सीगी। उहदे च कोई शक नहीं गा कि कांग्रेस की सरकार पिछले पौने चार साल में किसानां मुद्दियां दे उत्ते बुरी तरह फेल हो गई है, बेरोजगारी ते बुरी तरह फेल हुई है, नशियां दे मामले दे उत्ते बुरी तरह फेल हुई है, भ्रिष्टाचार नूं कंट्रोल करन दे विच बुरी तरह फेल हुई है। तुसीं केजरीवाल नूं तो नहीं वड्डे, जे तुहाडा बॉस बिक्रम मजीठिया तो नशे दे मामले ते माफ़ी मंग सकदा, तुसीं भी मंग लो, घट्टो घट सदन की कार्रवाई तो चलन दिओ। इसलिए मैं इन्हां नूं फर्जी इनकलाबियां का नाम अज दिता वा, और इहदा डट के जिन्ना भी अपोज किसान करनगे, चाहे वह रेलों पर बैठे असी उन्हां दे नाल आ, चाहे वह सड़कों पर बैठे असी नाल आ, चाहे वह 30 जथेबंदियों का मोर्चा असी नाल आ, चाहे वह शंभू का मोर्चा असी उन्हां दी मदद करांगे। हमेशा की तरह बड़े अफसोस की गल है कि यह जिहड़ा एड्डा वड्डा पवित्र सदन आ, ये तू तू मैं दी ते झगड़े आदि भेंट चढ़ जाता, तो सारी कार्रवाई गुल हो जाती है। बड़ी मुश्किल दे नाल सरकार 6 महीने बाद एक दो तीन दिन का सैशन बुलाउंदी है, तो साढ़े जिहड़े विधानकार आ वह भी किसी ना किसी होमे दे करके वह जिहड़ा थोड़ा जिहा मौका मिलना पंजाब दे लोकां दी गल करना उन्हूं भी गवा बैठते हैं। अज 7 बिल पास करने सी पंजाब सरकार ने, जिन्हां विच विजिलेंस कमीशन का स्थापित करना, जिन्हां विच लैंडलैस फार्मर्स नू पक्के तौर पर जमीना देनिया, जिन्हां विच शेड्यूल ट्राइब्स दा नू जमीन दे हकूक देने, और एक फैक्टरीज नाल रिलेटेड बिल सीगा, 7 बिल सी बड़े अहम। लेकिन शुरुआत दे विच ही जिहड़े आम आदमी पार्टी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इसने बद कलामी की स्पीकर दे नाल, उस नू डेरोगेटरी वर्ड्स बोले, जिस करके सारे हाउस दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते शोर मच गया। ना प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी ने अज का जिहड़ा प्लेटफॉर्म सीगा, क्योंकि कल तो सारा किसानां दी गल हुई, अज प्लेटफॉर्म सीगा कि वो साधु सिंह धर्मसोट के करप्शन स्कैंडल नूं उठा सकते सीगे, ना उन्होंने उसकी कोई गल उठाई, तो स्पीकर दे नाल तकरार करन तो बाद सारा हाउस जिहड़ा सीगा वो शोर विच ही 7 दे 7 बिल जिहड़े सीगे वो शोर गुल दे विच ही सारे बिल पास कर दिते गए। सरकारां तां लभदियां होंदियां ऑपरचुनिटी कि मौका देन ते असी अपना काम जिहड़ा निर्विघन कर दीए, और ये मौका अज आम आदमी पार्टी की नलायक लीडरशिप ने अज मौका दिता। पंजाब ये हैगी है बिल्कुल सच ते तत्थां दे आधारित जो मैं स्टेटमेंट दे रहा। दूसरा मैं कहना चाहना कि मैं नोट कर रहा वा कि अंदर कुछ होर कहिंदे ने आम आदमी पार्टी के लीडर, जिम्मेवार बंदे MLAs और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिहड़े भी इन्हां दे MLAs ने अंदर, कल क्योंकि कोविड करके तुसी तां अंदर गैलरी च नहीं आ सके,
मैं ये कहना चाहना कि कल इन्हां सारिआं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दी जिहड़े तीन अमेंडमेंट्स सेंट्रल एक्ट दे मुतलक रखियां, मेरा ख्याल है इन्हां 12 MLAs विचों, क्योंकि 12 ही ने, इन्हां 12 चों मैनूं लगदा 7 के 8 MLAs नूं बोलण दा टाइम दित्ता गया वा। सारे 7 दे 8 MLAs ने उन्हां अमेंडमेंट्स की सपोर्ट की आ। कोई भी MLA मैनूं जिहड़े अज इत्थे बाहर आण के बोलदे ने, एक आदमी MLA कहदे जिहड़ा जिसने किसी उस कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों लियांदे गए कानूनों का कोई विरोध किया होवे अंदर, बिल्कुल नहीं किया। छोटिया मोटिया सलाहां दित्तियां कि जी ये चाह भी शामिल कर लो, ये चाह भी शामिल कर लो, तो अंदर रेजोल्यूशन की सपोर्ट भी की है, तुसी सारिया ने देखा। और मता पास करन तो बाद गवर्नर पंजाब दे कोल पंजाब दे मुख्यमंत्री दे नाल चल के गए ने सारे, और गवर्नर साहब नू वो जिहड़ा कल दे जिहड़े कानूनां दी कापी दिंदे, इन्हां सारिआं दीआं फोटोआं ने उहदे विच। ते चंद घंटिआं बाद कल शाम नू सडनली दे रियलाइज कि साढ़े कोलों तां बहुत वड्डी गलती हो गई है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह शायद पोलीटिकल माइलेज ना लै जाए, तो फिर उस गल तो मुकरना शुरू कर दिता इन्हां ने कि जी इन्हां विच आ नुक्स आ, ये कानून किसानों के हित में नहीं गए, इन्हां विच इदां किसानों का भविख इदां खराब हो जाएगा। अमरिंदर सिंह नू किसानों नू अपील करन दी बजाए मोदी नू अपील करनी चाहिए आ। सारियां बेतुकियां दलीलां ते गल्लां ने मेरे वीरो, अंदर सदन विच जो कुछ होया वो तुसी कल पंजाब भवन विच थ्रू मीडिया भी देखिया। इन्हां सब ने यूनैनिमसली जिहड़े अमरिंदर सिंह ने बिल लैके आए, बल्कि 115 MLAs नो, 2 BJP दे MLAs ने छड़ के अकाली दल ने भी सारे बिल्स की सपोर्ट की, और रेजोल्यूशन जिहड़ा वो सर्वसम्मति नाल पास होया। अगर अज बाहर निकल के अकाली लीडर, मैं बिक्रम मजीठिया का भी सुनिया बयान, वह भी कहिंदे कि बड़ा धोखा हो गया किसानों के नाल, इहदा मतलब तुसीं एडे नलायक हो कि तुसीं दित्ते गए समय अनुसार तुसीं उत्थे कोई पॉइंट आउट ही नहीं कर सके कि आ धोखा हो रहा वा, तो असीं इस जिहड़ा अमरिंदर दीआं अमेंडमेंट्स पेश कीतियां जा रहे इहदा विरोध करदे आ। कोई एक लफ्ज विधानसभा का एक एक शब्द रिकॉर्डेड आ, ऑन रिकॉर्ड आ, ना अकाली दल ने कोई विरोध किया अंदर। सलाह देनी होर गल है, विरोध करना, वॉकआउट करना, प्रोटेस्ट करना, अपना डायसेंट रिकॉर्ड करवाना, वो एक वक्री गल है। तो ना इन्होंने रेजोल्यूशन का विरोध किया, तो अकाली भी बड़े खुश खुश भजे भजे गवर्नर राजभवन गए कल, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो आम आदमी पार्टी के MLAs भी सारे उत्थे गए हुए थे। इसलिए मैं समझना ये फर्जी इनकलाबी जड़े ने ना, ये दोगलियां गल्लां कर रहे ने, और मैनू अज कहण विच कोई अफसोस नहीं गा, ये सारी थिएटरिक्स की पॉलिटिक्स कर रहे ने। आ दो तीन दिन पहला सदन के अंदर जाके सौण का की मतलब सी, दस्सो जरा की मतलब सीगा, की प्रोटेस्ट कर रहे सीगे, आखे जी सानू बिल्लां दी कापी नहीं दित्ती गई। तो कल सवेर की गल है, कल सवेरे बड़े सोहने घरों नहा धो के आण के मुड़ के फे बह गए कि इन्हां नू बिल्लां दी कॉपी दे दित्ती गई सीगी। और गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया कि यह एमरजेंट सैशन है, असी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो उत्थे ऑन रिकॉर्ड किया, उन्होंने कहा अज सवेरे 9:30 बजे मैं बिल साइन करके तो ले आया वहां, तो मैं तुहानू उस तो पहला किदा दे दिंदा जदों तक मेरे उहदे ते सिग्नेचर नहीं सी होए। तो फिर बड़े सोहने नहा धो के उसे ही तनखाह से काम करने वास्ते कल उत्थे बैठ गए। देयरफोर मैं पंजाब के लोगों को अपील करना चाहुंदा कि ये लोग तुहानू गुमराह कर रहे ने। ठीक है, सरकारां जिहड़ियां ने उहदे च कोई शक नहीं गा कि कांग्रेस की सरकार पिछले 4.5 साल में किसानों मुद्दों के उत्ते बुरी तरह फेल हुई है, बेरोजगारी से बुरी तरह फेल हुई है, नशियां के मामले के उत्ते बुरी तरह फेल हुई है, भ्रिष्टाचार नूं कंट्रोल करन दे विच बुरी तरह फेल हुई है। उन्होंने मिनिस्टर्स साधु सिंह धर्मसोट ते राणा गुरजीत सिंह वर्गे नंगे चिट्टे दिन दिहाड़े करप्शन करते, 100% करैक्ट। बट की एक मेजर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी सिर्फ नौटंकी करेगी, जाके उत्थे भुंजे सौ के लोगों नूं की दिखाउणा चाहुंदे ने कि असी बहुत जिहड़ा काम करन वाला सी कल वो कीता नहीं, जिहड़ी गल अंदर करनी हुंदी उह करदे नहीं गे। इसलिए मैं इन्हां नूं इस करके फर्जी इनकलाबी कहना। और अज जिहड़ा तकरार होया तो स्पीकर ते कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिहड़े तुसी अपशब्द बोले ने स्पीकर के खिलाफ, तुसी ये माफ़ी मंगो तो असी प्रोसीडिंग चलन जाए। भई जे अरविंद केजरीवाल बिक्रम मजीठिया तो नशे के मामले से माफ़ी मंग सकता वा, तो मैं उन्होंने जानते MLA जो तो तुरे जाते रौला पाते, मैं कहा यार तुसी केजरीवाल नूं तो नहीं वड्डे, जे तुहाडा बॉस बिक्रम मजीठिए तो नशे के मामले से माफ़ी मंग सकता, तुसी भी मंग लो, घट्टो घट सदन की कार्रवाई तो चलन दो।
इस लिए मैं इन्हां फर्जी इनकलाबियों का नाम अज दिता वा। और मैं पता वा कि सोशल मीडिया के उत्ते इन्हां दे पेड बंदे दिल्ली सरकार दे बैठे ने 100 बार खिलाफ लिख लो, 100 बार भद्दी भाषा लिख लो, लेकिन जो सच आ जिहड़ा सूरज आ इहनूं हुण मैं थोड़ा कह सकदा कि रात हुई तो चंद आ जी, इह सच सच ही रहना वा। तो सच यह आ कि कल इन्हां ने अंदर अमरिंदर सिंह दी पूरे सोले पड़े, पूरी उहदी सपोर्ट की, गवर्नर राजभवन तक गए। और मैं नहीं गया उत्थे, मैनूं पता सीगा कि कल नूं असीं किसानां नाल गल करनी है। सानूं पता वा कि किसानां ने पता नहीं हले सारा संघर्ष जिहड़ा वा उह उठाउणा कि नहीं उठाउणा। असीं किसानां नाल जिहड़ा फैसला लैणगे असीं उहनां दे नाल उहनां दी मदद करांगे। मैं शुरू तो कह रहा कि या पोलीटिकल पार्टियां नूं अपने झंडे डाउन करके ते किसानां दी मदद करनी चाहीदी, इसलिए सब कुछ मैं अज दसना अपना फर्ज भी समझा। तो फिर हुण रोंदे क्यों बाहर? फिर अंदर तुसीं कहिंदे आ कि सिंबोलिक मैसेज, इहदा मतलब तुसीं उही मैं कहना दोगले चेहरे, हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। अंदर कुछ होर, बाहर क्योंकि कैमरियां लोकां ने देखना, बाहर कुछ होर। यह उन्हां दी बिल्कुल जिहड़ी बेतुकी दलील आ मेरे हिसाब दे नाल, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द कोर इशू। इन्हां नूं पता नहीं लग्या कि अमेंडमेंट्स की आ रहीआं ने, इन्हां नूं पता नहीं लग्या ये सिर्फ रूलिंग पार्टी दे जलाओ तो वो प्रैशर में आ के सारा कुछ जरा उन्होंने सपोर्ट कर गए। और मैं पंजाब के किसानों ये कहना चाहना वा कि देखो 73 साल की आज़ादी तो बाद आप देख लीए ये आपू लभ्या कुछ नहीं गा, माफ़ करना आ जरा अज मोदी साहब की सरकार ने देखो कितने लिया के खड़े करते किसान। असी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर नहीं मंग रहे, असी जोड़े व्डे साढ़े गुंझलदार इशूज आ नहीं कह रहे। हूँ किसान पंजाब के की कह रहे हैं देखो किडे भोले ने, वो कहते जी जी MSP की प्रणाली सानू 1 लाख करोड़ की करजई करगी तो सानू आत्महत्या तो करगी, सानू उही MSP दे दिओ। इहदों भोले बंदे सारे देश का अनाज का ढिड भरिया, ये मोदी साहब की एक गिणमिथ के साजिश सीगी कि इदा के कानून पास करो ताकि पंजाब के किसान का एक बार मुकम्मल तौर पर लक तोड़ दो। और यदा डट के जिन्ना भी अपोज किसान करे, चाहे वह रेलों पर बैठे असं उन्होंने नाल हाँ, चाहे वह सड़कों पर बैठन असी नाल हाँ, चाहे वह 30 जथेबंदियों का मोर्चा असी नाल है, चाहे वह शंभू का मोर्चा असी उन्होंने मदद करा। जदों लोकां ने मौका दिता उदों इन्हां दे हैंकड़ ने सारी पार्टी का बनिया बनाया जिहड़ा मौका सी गवाता, किसी आदमी नूं प्रोजेक्ट नहीं करन दिता, फुलका साहब नूं बना दिंदे, आ चलो भगवंत नूं ही दे दिंदे मौका। उदों तां इह मौका गवा चुके ने कि इन्हां दी सरकार आउणी है, इन्हां दी तां जे इह अगली वार अपनी अपनी सीटां बचा जाण ते 1-2 बंदे सारे पंजाब दी असैंबली च भेज देण। असल जिहड़ी गल अज इह है दे हैव लॉस्ट अ गोल्डन ऑपरचुनिटी। लोगों को पता लग गया कि यह सिर्फ हर वक्त फोटो खिचाउण की राजनीति में पे हुए हैं। और मैं कितने कहना चाहना कि चलो अमरिंदर सिंह ने जी बहुत माड़ा काम किया जी, उन्हें यह करता कानून वह करते, केजरीवाल ही मना लैन के दिल्ली की विधानसभा के मता पास कर दे, इदे चलो उन्होंने जोड़े कानून कहेंगे ने कि क्योंकि दिल्ली में भी किसान आ, दिल्ली कहें जी असी दिल्ली कहें जी असी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट अनुसार असी 2600 रुपया क्विंटल कणक का दे रहे हैं, मतलब किसान तो जमीन दिल्ली में हैगी है ना, तो केजरीवाल तो ठीक करा लैन कि MSP जी जिदा जिदा ये चाहते सी वो अमेंडमेंट तो वह कानून केजरीवाल को दिल्ली पास करा लैन, तो नाल एक मता पा दे मोदी की सरकार कंडेम कर दे, तीन काले कानूनों रिजेक्ट कर दे। मन जूंगा मैं कि इनकलाब जिहड़ा इन्हां दे मन में आ वाकई ये कोई जान भी हैगी है, तो जे आप सिर्फ दूजे कंडेम करना वा तो बा अंदर कुछ करना वा तो बाहर झूठ बोलना, नथिंग कैन बी अचीव लाइक दिस। हाँ जी, देखो गल हैगी कि जो कुछ पंजाब दे विच होया विधानसभा आई या किसानां नूं दिल्ली विच एक भावें फर्जी तरीके नाल बुलाया गया, वह सारा किसान अंदोलन का प्रेशर है। आ भी जिहड़े अज कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सद्दना पिया ना विधानसभा का सैशन, यह किसानां दे संघर्ष का प्रेशर है। इसलिए असीं तां चाहुंदे हां कि मोदी साहब अगर वाकई ही डेमोक्रेसी विच यकीन रखदे आ ते जदों सारा सूबा हाहाकार मचा रहा कि सानूं कानून नहीं चाहिए, तो मैं तो एक सुखाला राह यह भी दस्या सीगा कि आर्टिकल 371 कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता कि तुसी ये पंजाब नूं इन्हां काले कानूनों तो एग्जैम्प्ट कर दो। अज तो साल पहला 370
जम्मू कश्मीर नूं प्रोटेक्शन दिंदा सी, उह बीजेपी ने खत्म करती। अज भी 371 कॉन्स्टिट्यूशन की धारा अनुसार 10 स्टेट्स गुजरात महाराष्ट्र और गोवा ते 10 सूबों के कोल स्पैशल प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोदी साहब नूं चाहिए कि पंजाब के लोगों नूं बख्श देन। पंजाब का किसान पहला ही बहुत रगड़िया होया वा, बहुत वड्डे पद्धर ते करजई ते आत्महत्या कर रहा वा। तुसीं उहनूं इनाम देण दी बजाए, जो देश का अनाज का भंडार भरना सी उदों किसान चंगा सीगा, उहनूं इनाम देण दी बजाए तुसीं उहनूं सज़ा दे रहे हो। इस करके ये जो कुछ विधानसभा च होया ना, मैं तुहानूं कहना चाहुंदा, देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग इहदा शायद लीगली इह बहुत कुछ स्क्रूटनी स्टैंड ना कर सके। मन लिया जिहड़े कानून बनाए ने, पर एक गल तां मन्नण होगी, इह एक पोलीटिकल सुनेहा दित्ता दिल्ली दे तख्त नूं कि पंजाब दे 3.25 करोड़ आबादी दे जिहड़े नुमाइंदे ने, असीं एक थां ते एक मुठ किसानां दे नाल खड़े हाँ। यह तां सुनेहा देना कोई माड़ी गल नहीं सी। और अमरिंदर सिंह ने जिहड़ा टर्मीनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट पास किया 2004 च, लीगली तां उह वी टेंजिबल नहीं सीगा क्योंकि इत्थों पास किया, प्रेजिडेंट ने उहनूं चक के सुप्रीम कोर्ट भेजता। वो सानूं पता वा कि फैसला SYL दा साडे उल्ट आना वा, पर 15-16 साल का वकवा इस कानून ने बनाए हुए ने कढ दिता। सो देयरफॉर आई फील कि यह जिहड़ा काम कल विधानसभा च होया उहदे च आम आदमी नूं ते अकालियां नूं मुकरना नहीं चाहीदा। तुसीं जदों मुकरोंगे, तुसीं मोदी नूं सुनेहा दे रहे हो कि असीं पाटे होए हां सारे, एक बार जो मता पास करता उहदे नाल खड़े रहो और पूरा प्रैशर बिल्ड करो। और मैं अज भी असीं कल भी मैं कहा सी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं हुण, क्योंकि उन्होंने एक लीड लई है, एक मता पास किया, दैट इज़ नॉट इनफ, हले तां लड़ाई का बिगल वज्जिया वा, ते इन्हां नूं एक सारी इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव सारे पंजाब के MLA सारे पंजाब के MP लैके मोदी के घर के बाहर धरने से बहना चाहिए वा, ता कि इस संघर्ष को होर अगले पड़ा दे विच ले जाया जा सके। देखो इस तरह वा कि उन्होंने डेफिनेटली कुछ आर्थिक जड़े सिचुएशन साइट की, उन्होंने कहा जो मैं सुनिया कि 40,000 करोड़ रुपए का घाटा पंजाब सरकार नूं कोविड के कारण करके इस वित्तीय वरे विच पिया वा। तो हुण उन्होंने कहा कि जिहड़े साडा कोले का स्टॉक मुक रहा वा, जो उन्होंने कहा मैं कह रहा वा, या उन्होंने कहा कि साडा जिहड़ा फर्टिलाइजर स्टॉक मुक रहा वा या एटसेट्रा। देखो गल यह हैगी कि यह जिहड़ा इसका हल है ना, यह संघर्ष चो निकलना वा। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं किसानां दे मर्जी अनुकूल चलना चाहिए वा, जो कहण के नहीं चकना तो अमरिंदर सिंह उन्हां दा साथ देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ निकलना है इस संघर्ष चो निकलना वा, फर्जी गल्लां चो ते आ जिहड़े थिएटरिक्स ते ड्रामेबाजी चल रही पॉलिटिकिंग इहदे नाल कुछ नहीं निकलना। इस करके मैं तो यह समझूंगा कि फैसला किसान जथेबंदियां ते मुनसर आ कि उन्होंने की करना वा। अगर वो कहिंदे आ कि, और वैसे मैं जिन्ना सुनिया कि किसान जिहड़े ने हमेशा पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्होंने अज तक उन्होंने कोई खलल नहीं पाया किसी गल विच। और मैं तो यह भी सुनिया उन्होंने तो कि अगर ट्रेन तुसीं लैओ पंजाब दे बॉर्डर ते खाद दी ते कोले दी, असीं नंगा देंगे, ते जे मगर हरियाणा ही बंद है तो फिर कल्ले पंजाब दे किसान की कर लेंगे। सो ये गल्लां सारियां सी, तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया।